नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है वेस्टर्न हिस्टोरियंस एंड क्रोनोलॉजी में भारत का इतिहास क्या कहा गया है। देखिए, हम लोग अपना जो सिविलाइजेशन है इसे तो बहुत प्राचीन मानते हैं, और बहुत मतलब सबसे प्राचीन मानते हैं। तो सूर्य चंद्रमा जब से है हम लोग मानते हैं, हम लोगों का सिविलाइजेशन तब से है। जैसे छाग घास खाती है, छाग को इंसान खा जाता है, इंसान को शेर खा जाता है। जैसे ध्रुव सत्य है, चला आ रहा है प्राचीन का समय से, हम लोगों का सिविलाइजेशन उतना ही पुराना है, ये हम सोचते हैं। लेकिन खुद सोचने से क्या होता है, अपने सोचने से क्या होता है, अपना बड़ाई करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, दूसरा जिसका बड़ाई करता है वो बड़ा होता है। तो चलिए आज देखते हैं वेस्टर्न हिस्टोरियंस एंड क्रोनोलॉजी में भारत का इतिहास, भारत का प्राचीनता के संबंध में क्या बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, अंत तक देखिएगा। भारत का जो इतिहास है लगभग स्वतंत्रता से शुरू हो जाता है। तो 1947 में स्वतंत्रता और 1857 में सिपोही यूनिटी। इससे 100 साल पीछे जाइए, 1757 पलासी का जंग और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा इंडिया पर कब्जा कर लिया। 1757 से पीछे जाइए, 1667 शाहजहां की मौत और 1526 में पानीपत का जंग जहां बाबर ने इंडिया पर कब्जा किया। इससे पीछे जाइए 1469 साल, यानी गुरु नानक जी का जन्म हुआ। और इससे पीछे जाइए 1325 साल, मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडिया पर आक्रमण किए और कब्जा किया। 1025 ईसा सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात का, सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनबी द्वारा आक्रमण और उसे तोड़ दिया गया। इसे थोड़ा पीछे जाइए, 836 ईसा भोजराज ने कनौज के सिंहासन पर बैठे। इससे थोड़ा पीछे जाइए, 712 ईसा मोहम्मद बिन कसीम द्वारा सिंध में पहला अरबी आक्रमण। इससे थोड़ा पीछे जाइए, 606 महाराज हर्षवर्धन का राज। 319 ईसा में गुप्ता डायनेस्टी का शुरू हुआ और 78 ईसा कनिष्क द्वारा शक साम्राज्य का स्थापना। और आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म और 33 साल बाद उनको क्रूसीफाई किया गया था। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 58 साल पहले विक्रमादित्य महाराज ने अपना सिंहासन पर बैठे। जीसस क्राइस्ट के 145 साल पूर्व चोल डायनेस्टी का शुरू हुआ और अजंता इलोरा का जो मंदिर है उसको बनाया गया। 273 वर्ष पूर्व ईसा अशोक महाराज का सिंहासन पर बैठना और 322 ईसा पूर्व महाराज चंद्रगुप्त मौर्य अपना डायनेस्टी शुरू किए, सिंहासन पर बैठे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पर आक्रमण करने का कोशिश किए और अपने देश की ओर लौट गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत आक्रमण के पहले दराइयुस ने, जो पर्शियन राजा थे, वो 500 ईसा पूर्व भारत आक्रमण के कोशिश किए थे। दराइयुस ने पार्सिपोलिस नगर में अपना एक कबर खुदवाए थे, वो जिंदा रहते हैं। तो कबर में एक शिलालेख भी था जहां भारत के बारे में कुछ कहा गया है, और पार्सिपोलिस नगर में भी कुछ शायद कहा गया होगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने जब पार्सिपोलिस नगर में कदम रखा तो पार्सिपोलिस नगर को धूलिसात कर दिए थे, पूरा भस्मसात कर दिए थे। तो इसलिए अगर पार्सिपोलिस में कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा। तो नक्सिरुस्तम बोलकर जो शिलालेख है वो 486 ईसा पूर्व दराइयुस से पहले 1300 ईसा पूर्व असीरिया डायनेस्टी का रानी सिमिरमिस ने भारत पर आक्रमण की थी। इसके बारे में भारत में तो कोई लेख जोख नहीं है, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस ने अपना किताब में लिख रहे हैं, बेबीलोन का रानी सिमिरमिस ने 4 लाख सेना लेके भारत पर आक्रमण की थी, लेकिन उसमें से
सिर्फ 20,000, लगभग 20,000 सेना ही अपना जान बचाकर देश तक भागे थे, देश लौटे थे। तो सोचिए 1300 ईसा पूर्व भी आक्रमण हुआ था। और मिस्र का फिराउन सिसोट्रिस 1 1500 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किए थे, इसके बारे में भी वेस्टर्न हिस्टोरियंस बताते हैं। आर्तजेरक्सस का जो भिषक थे टेसियस ने 401 ईसा पूर्व में जो भ्रमणकारी थे, तो भ्रमणकारी का कहानी से अपना एक किताब लिखे थे जो 401 ईसा पूर्व। और चीना ऐतिहासिक थे, सबसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है इसे, सुमा चीन नामक एक ऐतिहासिक 101 ईसा पूर्व उनका ग्रंथ वो लिखे थे। इसके बाद हम जानते हैं चीना परिव्राजक थे फाहियन और ह्वेनसांग जो थे, दोनों आए थे इंडिया में और भ्रमण करके अपना किताब भी लिखे थे। इसके बाद आता है ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडेटस। हेरोडेटस ने भी अपना किताब लिखे थे जिसमें वो भारत के बारे में वर्णना किए थे, लेकिन द्राइव्स का शिलालेख नक्श रुस्तम से ज़्यादा हेरोडेटस के लेख में मिलता नहीं है। तो ये हो गया वेस्टर्न कल्चर में हम लोगों का इतिहास क्या लिखा गया है। वेस्टर्न हिस्टोरियन बीसी स्मिथ के हिसाब से भारत का जो इतिहास है, जो ट्रेडिशन है, जो संस्कार संस्कृति है, वो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं मेगास्थिनिस, हेरोडेटस और क्रेसियस नामक एक हिस्टोरियन। आज का वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश किए कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस भारत के इतिहास के बारे में क्या बोल रहे हैं और वेस्टर्न क्रोनोलॉजी भारत के इतिहास का समय क्या निर्देश करती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दिए, नमस्कार, गुड नाइट।